अरे हाँ यार सॉरी, गलती हो गई भाई बहुत बड़ी। अब याद हो गया ना कैसे। वेलकम बैक टू माई चैनल निको सुमिता ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मेरी फ्रेंड के भाभी के बेटे का बर्थडे है, जहाँ पे मैं जा रही हूँ आज। और इतनी ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। बट उस बहुत टाइम से उसने बोला हुआ था कि अभी तू, एक तो वैसे रहती नहीं है यहाँ पे, बट अभी आई हुई है तो प्लीज़ आइयो। तो फिर इसलिए मैं जा रही हूँ। रिचा, जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे ना कुछ ही फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। मैं बनाती ही नहीं थी स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रेंड, क्योंकि ना मुझे ना वैसे लोग नहीं पसंद है जो थोड़े वैसे होते हैं ना चालबाज टाइप लोग, वैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से नहीं, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह मैंने बनाए नहीं है। और उसके बाद शादी के बाद ना जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सारे ऑलरेडी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास टाइम नहीं होता, वो भी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो इतने फ्रेंड्स से हम ना मिल पाते हैं ना जुल पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बट कोई नहीं, आज मिलूंगी मैं अपनी रिचा फ्रेंड से और उसकी फैमिली से, तो चलो आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। एंड बर्थडे पार्टी आप लोग भी इंजॉय करना मेरे साथ मेरे ब्लॉग के थ्रू। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो चलते हैं, वो आ गई है, बाहर है, गली में है, मतलब वो स्कूटी से लेने आई है। मैंने बोला तू आ जा यार, बहुत ठंड हो रही है, तो हम स्कूटी से हम लोग जाएंगे। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करना। बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ मम्मा अर्थ का एक और न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जो मेरे पास है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है मेरे पास चारकोल लॉन्ग स्टे कोहल पेंसिल, जो कि काफी क्यूट पैकेजिंग के साथ है। इजिली आप ट्रेवल में इसको कैरी कर सकते हो, ट्रेवल फ्रेंडली है। इसके साथ शॉर्पनर आता है एंड साथ ही लॉन्ग लास्टिंग है, 11 आवर्स तक आपके आईज पे टिका रहेगा। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा है, स्मज प्रूफ है। एंड यूज करके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा शेप आएगा, आप अपनी आईज पे लगाओगे तो 11 आवर्स तक स्टे रहेगा आपकी आईज में। और स्मज प्रूफ है, मेड सेफ है, टॉक्सिन फ्री है, लॉन्ग स्टे है। एंड साथ ही साथ आप वाटर प्रूफ देख सकते हो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने पानी के थोड़े से ड्रॉप्स डाले अपने हाथ पे एंड उसके बाद ऐसे किया, तो वाटर प्रूफ है, ये फैलेगा नहीं। एंड साथ ही साथ इसके पीछे एक शॉर्पनर मिलता है आपको, जिससे आप ईजिली शॉर्प कर सकते हो इस पेंसिल काजल को। और बहुत ही प्यारा शेप देगा आपकी आईज पे, नरिश करेगा आपकी आईज को। एंड आप खुद देख सकते हो, सामने है, मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। एंड इसमें काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो नेचुरल है। तो आप ये कोल पेंसिल कहाँ कहाँ से ले सकते हो? आप अमेजोन से ले सकते हो, नायका, फ्लिपकार्ट और मम्मा अर्थ की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मम्मा अर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में मिल जाएगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं मम्मा अर्थ के इनिशिएटिव की, जो की है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे मम्मा अर्थ की वेबसाइट से, तो आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक किया जाएगा, जो कि प्लांट करेंगे मम्मा अर्थ आपके बिहाफ पे। तो है ना अमेजिंग। और मम्मा अर्थ का एम है कि वो 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करें। सो गाइज, किस बात की देरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए जाके चेक कीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो NIKU2022, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। फिल्टर लगा दिया है रिचा। हाँ और क्या, अभी तो सुंदरी बनोगी ना, ठीक है, बाल खोल के सुंदरी बन जाओगी। थोड़ा सा मेकअप करके, मेकअप नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। ये हमारी यार वही खास दोस्त है जो शादी जो मेरी शादी में नहीं आई थी, घर चल के इससे बात करते हैं और क्या, फिर बताऊंगी। जा सब साथ की हो मेरी रानी दीदी ट्यूशन टीचर, इनकी सुंदरता
मेरी ट्यूशन टीचर की शादी नहीं हुई, मेरा एक बच्चा भी हो गया। ये संतूर मम्मी है। ओ अरे सुंदरी ने अपने बाल खोल लिए हैं, खुलवाए गए मुझसे जबरदस्ती। ये संतूर मम्मी भी, मैंने बोला ये मेरी वाइफ फ्रेंड है जो मेरी शादी में नहीं आई थी, ना शादी में ना सगाई में, सगाई में भी नहीं आई। दीदी ने सारे फंक्शन अटेंड किए थे, स्टेज पे मैं भी ये जैसे इशारे कर रही, कितनी बात है। मैं कह रही हूं मेरी शादी वाले से इशारे कर रही, मैंने दीदी दीदी और ये मुझे पता होता तो मैं कर रहा हूं आई नहीं से सुन ले। अच्छा मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहिए वो, कि मैं इसको देख के लग रही ना कि एक बच्चे की मां है, इतने दिन बाद देखा मैंने इसे। और क्या ये कि यार इतनी पतली है यार, मेरे को भी कर दो थोड़ा सा कोई टिप्स बता दो। रिचा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रिचा मोटी हो गई, पर रिचा मैं एक जैसे ही थे सुखर सुखर। मैंने मैंने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया था ना, तो इसने भी कर लिया था मेरे साथ साथ कि इसको बुरा ना लगे। उसके बाद मैं फिर पतली हो गई ऐसी रह। इसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, मैं भी करूँगी वेट लॉस। हमारी आग लगाने और अभी तो हम आग लगाने वाले हैं, एक बहुत बढ़िया वाला फंक्शन आने वाला है जहाँ पे हम एकदम आग लगाने वाले हैं। दोस्त की शादी कॉमन, सारे सारे बच्चे चुप हो गए कि दोनों की बातें ही सुन लेते हैं क्या। हाय गाइस बोल दो। और इनको लगा कि मैं क्या हूँ, पंजाब से। पंजाबी खैर ये दीदी पंजाब से है, प्यार है। हम दाल चावल वाले भी आ रही है, हम जब अपना खाना। हाँ मैं बिहार की हूँ, नहीं लग रहा आवेला हम भोजपुरी भोजपुरी आवेला हमने के। अच्छा तुझे नहीं आती ना आवेला। पिताजी का फोन आ गया, यूनिक सा है। अरे हाँ यार सॉरी, मेघा भाभी आ जाओ गाइस। ये मैं हूँ। अबे तूने टॉर्च क्यों जला रखी है इसकी, बंद कर ना। लाइटिंग कम है ना इसीलिए। फ्रंट हो जाएगा ये चलते 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 फ्रंट हो जाता है ना। भाभी को भी लोग आए क्या? भाभी हाय बोलो। ऐसे भाई यहाँ कैमरा कभी भी खुल सकता है, तो किसी की प्राइवेसी का कोई ध्यान नहीं। अब भाभी का रिकॉर्ड है, भाभी का ऐसे ही डलेगा। सच्ची ऐसा मत करना यार, उतना कट कर देना। ये है बड़े गर्ल की मम्मा। हाय ये है बर्थडे की थीम। उसने बोला था कि मेरा यूनिकॉर्न वाला केक, यूनिकॉर्न वाला उसकी चॉइस है। ये देखो बच्चा, मिठू हाय करो बेटा। हेलो, किसने किया डेकोरेशन? तिवारी। और क्या कह रही थी, क्या करो, कांटेक्ट करो, कैसा डेकोरेशन है, कम चलो कम चलो कह रही है। इतना अच्छा डेकोरेशन किया, मुझसे संपर्क कर, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है जो आपसे संपर्क करेंगे। कर सकते हो वैसे, कर सकते हैं यार, आपको पता। बहुत मेहनत करी है इस लड़की ने, सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं। चल के साथ जाओ, खुश हो जा, तेरे को खुश करने के लिए भाभी ने ऐसे बोल दिया। वो तो ब्लॉग में नहीं आ रहा ना, तुम्हें पकड़ो लाओ। हमें तो आ रहा है पता चले, और कैमरा बंद करके सबको कॉल कर। नहीं 11 सेकंड का हो गया। और कैमरा हाँ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nadia, happy birthday to you, may God bless you. इसके आगे भी होता है हमें। So
गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी। अब याद हो गया ना? ठीक है। अरे वो बजाई दो ना बाजार से। अरे वो आंटी 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 वो बजा हमारा धीरे से अपने घर लेके चल रहे बस ऐसे पकड़ा देंगे। और कह रही थी हाँ हाँ अपने जुल्फों को हटाइए थोड़ा पीछे रखिए। आई नहीं जी कैमरे में इतनी मोटी है। मेरा मिट्टी का वर्ड है फ्लिक्स। चाबी गिर गई तुम्हारी। दे दे निक्की, क्यों नियत खराब कर रही है, दे दे अब लाइव। कैसे शर्मा रही तू खा ले भूखी। एक मेरा फोटो मेरा भी निकाल उसके साथ। लाइट्स अच्छी है, लाइट्स अच्छी है। मेरे पास वो है पूरा रिंग लाइट वगैरह पूरा सेट। ये देखो ये रिचा के इतने मोटे होने का राज है। एक प्लेट दो प्लेट खाना खाया है इसने, सारा खाया है इसने। और मैं यहाँ चुपचाप बैठ के इसकी शक्ल देखी और मतलब मेरे को देख के लग रहा है मैं चार खाई होंगी। इसके मैं जरूर लग रहा है कि ये चार खा सकती है, मैं नहीं खा सकती। अभी प्लान बताओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम डांस करने वाले थे पर हम करेंगे नहीं, हमें सर हमारा प्लान चेंज है। सर हम हमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक खाना खा रही है और अब हम जा रहे हैं अपना याद ताजा करने। हाँ जब हम पैसे इकट्ठे कर करके चिली पराठा खाते थे। मेरे पास कितने? मेरे पास 10 है। किराए को छोड़ के जितने होते आज मेरे पास 10 है। अब तेरे पास कितने वैसे? हाँ अब मैं ट्यूशन पढ़ने अभी रास्ते में बताएंगे ठीक है। अब यहाँ पे सब देख रहे हैं स्कूटी में बताएंगे क्या करते हैं। चले रिचा स्कूटी चला रही थी बाहर। मेरी ट्यूशन वाली दीदी हम लोग आए हैं बर्थडे पार्टी खत्म करके चिली पराठे खाने। दीदी आपको याद है हम 2-2 रुपए 10 रुपए इकट्ठे करते हैं। हाँ यार 70 रुपए के आते थे। और देखो ये ट्यूशन पढ़ाती थी इनको फीस मिलते थे तब भी हमसे 10-10 रुपए इकट्ठे करवा के खिलाती थी। अभी नहीं यार उस समय हो जाती थी दिक्कत। हम 10-10 रुपए इकट्ठे करते थे और हम चिली पराठे खाने आते थे। और ट्यूशन कैसे पढ़ते थे? ट्यूशन तो अच्छे से पढ़ते। नहीं नहीं बताओ। नहीं ट्यूशन आती थी बैग रखती थी और जाके खेलने लग जाती थी। भाई तो भाई बहुत गंदी स्टूडेंट थी वो दीदी। नहीं एक मैं ही ऐसी स्टूडेंट हूँ जो अब तक आपको याद हुई। हाँ यार ये बात तो है बहुत बहुत अच्छी थी पढ़ने में बहुत अच्छी। तो बहुत गंदी तारीफ थी। चलो हम चिली पराठे खा के मिलते हैं। लाइटिंग बहुत गंदी है। सो मैं आ गई पार्टी से घर। मेरा कैमरा क्यों ब्लर है? वेट मैं आ गई पार्टी से घर। छोटा सा ब्लॉग था, छोटा सी बर्थडे पार्टी थी और सबसे ज़्यादा खुशी इससे हुई कि मैं रानी दीदी से और रिचा से मिली जो कि बहुत टाइम से मैं मिली नहीं थी। तो मिलना भी हो गया, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपना खूब सारा प्यार मुझे ऐसे देते रहिए। मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप सभी के लिए लेके आती रहूंगी। बर्थडे पार्टी तो धनवी को बुलाया गया था पर सिर्फ मम्मा चली गई, धनवी को नहीं लेके गई है ना, क्योंकि धनवी को तो ठंडी लग जाती, बहुत ठंड है बाहर, इसलिए मम्मा चली गई थी सिर्फ धनवी को छोड़ के। नानी पोश इधर देखो, नानी पोश, धनवी मेरा सोया हुआ था, अभी उठा है बच्चा मेरा। ये बाल कैसे हो गए आपके, ये बाल कैसे हो गए? बोलते हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बोलते अब धनवी के बाल बड़े हो गए, धनवी के बाल मुंह पे आते हैं। एक बार मम्मा बोल के सुना दो तो, मम्मा मम्मा मम्मा।